तुम्हारे 7 साल की सजा खत्म हो गई शंकर योगी। तुम बड़े काबिल आदमी हो जगदीश, मगर तुम एक बात नहीं जानते कि यह जुर्म एक बीमारी है और सजा जुर्म का इलाज नहीं है। ठीक कहते हो डॉक्टर, सजा जुर्म का इलाज नहीं मगर इंसाफ तो है, और कानून ये कहता है कि अगर जुर्म हुआ है तो सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रायश्चित का मौका भी तो दिया जा सकता है। हाँ, प्रायश्चित का मौका देना चाहिए, जेल में प्रायश्चित का पूरा मौका मिलता है। अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? मैडम हम झगड़ा नहीं कर रहे। अरे क्या कर रहे, तो बगुआ चाकू से बच्चे ने लाग जाए। अरे बेटे तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, आज हम सब मिल करके काटेंगे। डॉक्टर साहब आपने वो बात इनसे तो नहीं कही? अरे नहीं भाभी, माँ बनने की खुशखबरी तो पति खुद सुनाए तो ही अच्छा लगता है। आप ही बताइएगा जगदीश को। वन स्टिल प्लीज। बेटे उधर देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी। राम सिंह देखो क्या हुआ है। जगदीश, जगदीश छोड़ो, तुम लोग छोड़ो इन्हें, कहाँ ले जा रहे हो? हेलो, जजवा बोल रहा है ना? कौन हो तुम? पहचाना हमको? क्योंकि शंकर योगी ब्लडी बास्टर्ड। ना 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 जजवा, अगर आज तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी तो फिर अपनी धर्म पत्नी की आवाज भी कभी नहीं सुन पाओगे तुम। मेरी पत्नी उर्मिला बिल्कुल हमरे सामने है जजवा। वो दिन याद है जजवा, हम रो रो के अदालत में कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी की इज्जत नहीं लूटी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया, मगर तूने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। बैठा रहा अपने कानों में रुई डालकर अपनी उस कुर्सी पर, 7 साल की सजा हुई हमें, 7 साल की, हमें बलात्कारी करार दिया तूने जजवा, बलात्कारी करार। जजवा हम आज तुझे दिखाएंगे ये बलात्कार का होता है। तोहरी पत्नी की इज्जत, इज्जत टूटेगी। हाँ हाँ योगी, योगी योगी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना योगी, योगी तुम बीमार हो का? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने भी तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर उसने हमें सजा दी ना, ये कारण हम तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते। सौगंध खा चुके हम कि जजवा को मिटा कर ही रहेंगे। दया करो मेरे 2 मासूम बच्चों पर और इस बच्चे पर जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, जो मेरे पेट में है। तू पेट से है? हाँ। तुम्हारे पति को मालूम है? आज ही बताने वाली थी, उससे पहले तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ उठा कर लाए। यही कमाल है ऊपर वाला, अरे पाप करने जाए तो करने देता नहीं, हाँ मगर पाप की झूठी सजा जरूर दिलवा देता है। चल जजवा को फोन लगा और उतना ही कहना जितना हम कहते हैं। डर मत, हमने तोरी इज्जत लूटने का इरादा बदल दिया है, अब हम कुछ और लूटेंगे। हम लूटेंगे उस हराम जादे जजवा की रातों की नींद, दिन का चैन, घर का सुख, सब कुछ। 8 महीने, पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं और अब तक आपकी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी मेरी बीवी का पता नहीं चला पाई। सब जानते हैं कि वो यही है, उर्मिला इसी शहर में है, रोज उसके लोकल कॉल्स आते हैं, और अब तक उस हरामजादे योगी का आप पता नहीं चला पाए। अगर मेरे साथ, एक जज के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा। वर्मा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि
मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आया कि शंकर योगी चाहता क्या है। जब भी मिसेस वर्मा फोन करती हैं यही कहती है कि उनका ख्याल रखा जाता है, जब तक कॉल का पता लगे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये कि आप बेबस हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। I just can't believe it. Yes, पाटिल सर, मिस्टर जगदीश वर्मा के लिए फोन है। ओके, आपका फोन। हेलो। अच्छा अच्छा, कब? मैं अभी आ रहा हूं। उर्मिला मिल गई। थैंक गॉड। उर्मिला, 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 उर्मिला। तो उस कुत्ते ने यह बदला लिया है मुझसे, अपने पाप को तुम्हारी कोख में डालकर मुझे दिखाने के लिए तुम्हें यहां भेजा है उसने। नहीं, ऐसा मत कहिए, ये उसका पाप नहीं, हमारा प्यार है। ये बच्चा आपका है, उसने मेरे बदन को कभी छुआ तक नहीं। एक औरत महीनों तक उस हवस के पुजारी के कब्जे में रहती है और वो उसे छूता तक नहीं। तुम ये कहना चाहती हो कि शंकर योगी जैसा जलील मुजरिम अचानक देवता बन गया। मैं सच कहती हूँ जगदीश, मैं समझती थी चाहे सारी दुनिया न माने, मगर आप मेरी बात को जरूर सच मानेंगे। और आप इतना छोटा इल्जाम लगा रहे कि मैं और योगी। स्टॉप! मुझे ये नहीं मालूम कि वो बदमाश का खेल खेल रहा है, लेकिन इतना जान लो उर्मिला के तुम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कसमें मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम घर छोड़ते वक्त थी। मैं वैसी ही हूँ जैसे 8 महीने पहले थी। मैं कुणाल और करण की कसम। अपनी जबान से मेरे बच्चों का नाम मत लो। जगदीश मर गया, जगदीश तेरे लिए, और तू मर गई जगदीश के लिए, हम सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए। दोबारा कभी मेरे घर की तरफ आने की कोशिश भी की तो अपने ही हाथों से तुझे गोली मार दूंगा। सची मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे हाथ छोड़ के मत जाओ, मैं मेरे को छोड़ू, मैं मेरे को छोड़ मैं हाथ छोड़ती हूँ, मैं मेरे को छोड़ हो जल्दी, मैं मेरे को छोड़ हो। बेटे, तुम्हारी मां मर चुकी है। बेटे, तुम्हारी मां मर गई।